22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं और इससे पहले इस तरह के जो झंडे हैं इनकी बिक्री भी अयोध्या और आसपास के शहरों में बढ़ती जा रही है और लोग इन झंडों को खरीद रहे हैं अपने घरों पर लगाने के लिए, गाड़ियों में लगाने के लिए। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर अभी अभी आए हैं झंडे खरीदने के लिए। आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार सोनी। दिलीप कुमार सोनी। दिलीप जी, आपका घर कहाँ है? बहराइच जिला। बहराइच से जी। तो आप ये झंडा खरीदने आए हैं यहाँ पर? जी जी। तो क्या इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? घर पे लगाएंगे 22 जनवरी को। 22 जनवरी जी, ये आपने तय किया जी। तो सांकेतिक तौर पे आपको लगता है कि ये एक तरह का रेप्लिका भी है जी यहाँ पर जी, जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं अयोध्या से जी जी। आप भी बहराइच में रहते हैं जी? आपका शुभ नाम? राधालाल पांडे। राधालाल पांडे जी हाँ। तो यहाँ पर आपने भी झंडा खरीदा? आपने जी हाँ बिल्कुल खरीदा। तो क्या बहराइच में और लोग भी खरीद रहे हैं जो आपके आसपास? कई लोग खरीदे हैं, पूरा लगभग जितना हिंदू समाज है सभी खरीद रहे हैं। हाँ, हर जगह लोग खरीद रहे हैं जी। जी, अब हम लोग दीपावली 22 जनवरी घर पर मनाएंगे, अब यहाँ कहाँ मिलेगा इतना जी। दीपावली घर पर मनाएंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आप भी झंडा खरीदने आए? जी सर। आपका शुभ नाम? राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जायसवाल जी। तो जायसवाल जी, आप इस झंडे का क्या करेंगे? इस झंडे का एक बहुत बड़ा महत्व हम लोग के, एक सौभाग्य चीज़ है कि जो राम जी यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष उस पर लगाएंगे कि उसका प्रतीक हो कि राम जी यहाँ पर आ रहे हैं जी। जी, तो आपने कितने झंडे खरीदे? 3 झंडे लिए हैं। 3 झंडे जी। तो तीनों झंडे आप घर पर लगाएंगे? जी, तीनों झंडे 3 जगह लगाएंगे, 3 मकान पर जी। आप 3 मकान पर अलग? जी, अपने अपने मकान पर। अपने अपने मकान जी। तो आप जहाँ रहते हैं कॉलोनी में और भी लोगों ने झंडे खरीदे जी? आउट लोग के भी प्रेरित किए जी झंडा लें और हर मकान पर लगाया जाए इस पर जी। जी, सब जगह लग रहा है, हर जगह लगाया जाए इसमें जी। और इस पूरे सड़क पर कई जगह पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो झंडे हैं, किसी में भगवान राम जो है उनको हनुमान जी के साथ दिखाया गया है, कुछ फ्लैग्स जो हैं उसमें हनुमान जी को दर्शाया गया है, जबकि कुछ फ्लैग्स हैं जहाँ पर राम दरबार को दिखाया गया है, जैसे कि इसमें भगवान राम की जो नई मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर हुआ है उसकी एक तस्वीर इस फ्लैग में लगाई गई है। और मेरे साथ कुछ फ्लैग सेलर्स भी हैं जो पिछले कुछ दिन से यहाँ पर इसकी बिक्री कर रहे हैं। बताइए कैसा रहा है अभी तक, बिक्री कैसी चल रही है? हमारी बिक्री अच्छी होती है, बढ़िया होता है। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आते हैं सिर्फ झंडा खरीदने के लिए। झंडा खरीदने? हाँ। तो ये जो झंडा आपके पास है इसकी कितनी कीमत है? इसकी कीमत 120 रुपए है। हाँ। इससे बड़े हैं जरा एक बार देख सकते हैं जी। जी, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें राम जी दर्शाए गए हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, पुण्य श्री राम जी जी। ओके, सीधा करिए इसको। और हनुमान जी भी हैं इसमें? हनुमान जी उनके साथ में भी रहते हैं। तो किस तरह के झंडे ज्यादा बिक रहे हैं? राम जी का झंडा यहाँ सबसे अधिक। राम जी का मतलब राम दरबार का झंडा या राम मंदिर का? राम मंदिर मॉडल ये है, दिखाइए जरा। तो ये झंडा सबसे ज्यादा बिक रहा है, इसकी कितनी कीमत है? 120 रुपए है इसके। 120 रुपए जी। एक दिन में कितने झंडे बिक जाते हैं? एक दिन में झंडे हम लोग का तो 150 झंडे बिक जाते हैं आराम से। 100 झंडे बिक जाते हैं हमारे जैसे बहुत दुकानदार हैं, सबका बिकता है। सबका जैसे ऐसे 22 जनवरी का कार्यक्रम आ रहा है, आपकी बिक्री भी बढ़ रही है? हाँ, बहुत बिक्री बढ़ रही है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अयोध्या से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।